हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ कुछ कांजीज और इन कांजीज को बनाने का तरीका, यानी कि विद रेडिकल इनकी क्या इमेज ली गई होगी इन कांजीज को बनाने के लिए। सारी चीज बताऊंगा डिटेल में और साथ ही साथ एक और नया तरीका बताऊंगा आपको, जिससे आप ये कांजी बहुत ईजिली तरीके से याद रख सकें। तो यूजली होता क्या है कि जब भी हम कोई रीडिंग करते हैं तो उसमें हमें कांजीज दिखती है, चूंकि प्रैक्टिस नहीं होती जिसकी वजह से हमें कांजी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। सो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप अगर कांजी की कुनियोमी उनियोमी अगर भूल भी जाते हैं, इसके बावजूद भी आप एग्जैक्टली मतलब निकाल लोगे। ठीक है, लगभग 70 से 80% या 60 से 70-80% आप एग्जैक्टली मीनिंग निकाल लोगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आज जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो कांजी है सिख की। सिख का मतलब होता है बीमार। ठीक है, कांजी कुछ इस तरीके से बनती है। अब इस कांजी को देख करके आप कैसे इसे याद रख सकते हो, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। आप इसे बार बार लिखोगे बना बना के, तो एट द एंड आप कभी कभी ना कभी भूल ही जाओगे अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी। बट आज इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे नहीं भूलोगे, इस बात की मेरी गारंटी। तो देखो क्या इमेज ली गई थी, रेडिकल क्या लिया गया था इस कांजी का, तो बहुत सिंपल है, वो यहाँ पे देख सकते हो आप। इस वाले पोर्शन को देखो, यहाँ पर हमने दो टिक है कांजी के अंदर, तो इसका क्या साइन है, इसको ये साइन है इस चीज का। आप जब कभी भी देखना किसी हॉस्पिटल में जाते हो बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग के बाहर हॉस्पिटल गेट पे एक बोर्ड लगा होता है ना प्लस के साइन का, तो ये प्लस के साइन का बोर्ड है। ठीक है, तो ये ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे का हिस्सा है, तो इसके दो स्टॉक को हम इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। बाकी दीवार पे लगा होता है ये प्लस का साइन का बोर्ड, तो दीवार ही है। अब ये दीवार का है कि ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग की दीवार है, लास्ट छत के ऊपर ये कुछ गुंबद सी बनी हुई है हॉस्पिटल की बिल्डिंग की। नीचे हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट है जो कि लेटा हुआ है। ठीक है, ये बेड है पेशेंट का, पेशेंट ये लेटा हुआ है और ये इसके ऊपर चादर पड़ी हुई है, मतलब चादर उसे उड़ा रखी है। सो ये देखो चादर का सिंबल कुछ इस तरीके का है, और चूंकि पेशेंट लेटा हुआ है तो उसके पैर भी ऑब्वियसली सी बात है कि चादर के अंदर ही होंगे। ये बेड को इंडिकेट कर रहा है, और ये वाला हिस्सा जो है वो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है उसके बेड को, जिस बेड पर वो लेटा हुआ है। ठीक है, तो कांजी अभी जो मैंने इमेज बताई इससे पहले कांजी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। अगर नहीं थी तो आप बताओ मुझे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कांजी थी। आप इसे कितनी ही बार प्रैक्टिस कर लेते, कितनी बार ही लिख लेते, आप कभी याद नहीं कर पाते। लेकिन अब इस कांजी की जो मैंने इमेज बताई इसके थ्रू आप इसे याद करोगे, तो मैं एम प्रेटी श्योर बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस जगह पे जो प्लस का बोर्ड टंग रहा है, कि इसको आपको सिर्फ दो स्टॉक ऑर्डर में शो करना है कांजी के अंदर। मतलब पूरा बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ दो स्टॉक ऑर्डर में दिखा दोगे सो वो भी सफिशियंट रहेगा। बाकी अंदर की जो पूरी कांची है ना, पूरी इस इमेज से मैच कर रही है। आप चाहे तो आसानी से तसल्ली से देख सकते हैं इसे। ठीक है, आगे जाके मॉडिफाई कुछ इस तरीके से हो जाती है, लगभग मिल रही है ओरिजिनल वाली कांजी से, और फिर लास्ट में वो कांजी बन के यही आ जाती है। ठीक है, तो ये तो थी कांजी की इमेज। आई होप कि आपको ये इमेज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसकी कुनियोमी और ओनियोमी की। तो देखो कुनियोमी यहाँ पे या और यामाई वैसे बहुत ही कम यूज होता है, रेयर, मैंने आज तक बहुत ही कम यूज देखा है इसका, या और यामाई कभी यूज हुआ है। बट फिर भी हमारा हमारी तो ड्यूटी है कि हमें इसे पढ़ना है, तो आप इसे याद रखें किसी भी तरीके से। इस तरीके से याद रख सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। आप सपोज कोई भी पर्सन है वो हॉस्पिटलाइज हो गया, क्यों? क्योंकि वो यामा, यामा का मतलब क्या होता है, पहाड़। वो यामा पर चढ़ाई करने गया था, वहां उसका पैर स्लिप हुआ तो उसके चोट लग गई, या तो वो यामा पर चढ़ रहा था तब उसे चोट लगी। ठीक है, तो कहने का मतलब वो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गया था तब उसके चोट लगी, तो यामा इस तरीके से आप याद रख सकते हो। दूसरा ब्यो, चूंकि ब्योइन की कांची होती है ना, ब्यो ब्यो वर्ड होता है, ब्यो की का ब्यो या ब्योइन का ब्यो, तो ब्यो तो आपको याद ही रखना है, पेई और हेई, ये दो वर्ड आपको एक्स्ट्रा में याद रखने हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये कांजी की कुनियोमी उनियोमी थी। मैं बताता हूँ आपको इसके स्टॉक ऑर्डर, फिर आपको बताऊंगा वो तरीका जो मैं आपको आज डिस्कस कर रहा था वीडियो की स्टार्टिंग में। सबसे पहले हम स्ट्रोक ऑर्डर जान लेते हैं। देखो बहुत सिंपल सा स्ट्रोक ऑर्डर है। सबसे पहले इची, छत की ये वाला पोर्शन, देन नी, सान, योन, एंड देन गो, रोको, नाना, हाची, क्यू, एंड देन जू। तो 10 स्ट्रोक ऑर्डर में ये कांजी जो है बनके आपकी तैयार हो जाती है। आई होप कि कांजी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अब इसके बाद आप कभी भूलोगे भी नहीं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ट्रिक, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक वर्ड है, ये एग्जैक्टली जो कांजी है ना वो एक वर्ड से निकली, जिसका मतलब है ब्योइन। तो ब्योइन की कांजी क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ।
अब ये एक वर्ड बड़ा, ये वर्ड जो है पूरा बना ब्योइंग। आप कभी भी देखना ये वाली जो कांजी जो अभी हमने पढ़ाई है, ये ज्यादातर इस वाली कांजी के साथ यूज होती है, ज्यादातर यूज होती है, 80% इसके साथ यूज होती है। तो अब आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है, देखो मैंने कहा जापानीज में कांजी जो होती है ना, जो भी कांजी जोड़ करके एक कांजी के साथ दूसरी कांजी जुड़ी है, तो वो दोनों या तीनों कांजी एक दूसरे से इंटरलिंक होगी, कहीं ना कहीं उनकी कुछ ना कुछ स्टोरी मिल रही होगी। देखो ये तो थी ब्यो की कांजी जो हमने अभी पढ़ी, और ब्यो का मतलब होता है सिख, सिख का मतलब कोई बीमार। इनका मतलब पता क्या होता है, ये वाली कांजी जो है इसका मतलब क्या होता है, हालांकि ये आगे की कांजी है, आगे बताऊंगा। इनका मतलब होता है कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्थान। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताइए, अब इनकी कहानी बताता हूँ, दोनों दोनों कहानी यहाँ पे कांजी की। इन बीओ का मतलब हो गया सिख, और इनका मतलब हो गया कोई इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था जहां पर बीमार सिख, सिख लोग यानी बीमार लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं। तो ऐसी कौन सी संस्था होती है जहां पर सबसे ज्यादा बीमार लोग इकट्ठे होते हैं, तो ऐसी संस्था होती है हॉस्पिटल। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो क्या हॉस्पिटल होती है। तो इसका मीनिंग निकल गया इसका ब्योइंग, ब्योइंग का मतलब क्या होता है, हॉस्पिटल, समझ रहे हो। तो कांजी जो भी होती है ना, जो कांजी एक कांजी है वो किसी दूसरी कांजी से मिलकर कोई वर्ड का मीन निकाली है ना, तो जो वर्ड का मीन निकल रहा है वो उन दोनों कांजी के कैरेक्टर के कुछ ना कुछ इंटरलिंक होगा, आपस में लिंक होगा, तभी उसको लिंक करके ही वो शब्द बनता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, तरीका ये होता है कई बार जैसे आप रीडिंग कर रहे हो, आप सपोज आपने बहुत दिनों बाद ये वर्ड पढ़ा, ठीक है, आपको इन दोनों में से याद नहीं आ रहा, सिर्फ ये याद आ गया ब्यो, आप श्योर हो गए कि ये ब्यो की कांजी है, ब्यो मीन्स सिख की कांजी है, पीछे कांजी मुझे ध्यान नहीं आ रही, तो अंदाजा लगा सकते हो ब्योइन हो सकती है। और 100% क्या होता है, ज्यादातर इस केस में कई कई बार जब जैसे मुझे भी कांजी में भूल जाता हूँ तो मैं भी ऐसी अंदाजा लगाता हूँ, वो अंदाजा सही लगता है, ब्यो की कांजी आ गई, इट मीन्स कुछ ना कुछ ऐसी कांजी है यहाँ पे, कुछ ना कुछ मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है कि कोई बीमार से रिलेटेड है, ऐसा कुछ यहाँ पे मीनिंग होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो, ब्योइन कुछ इस तरीके से आइडिया लगा सकते हो। तो इस तरीके से भी आइडिया लगाओगे तो आपको कांजी रीड आराम से हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट कांजी चलते हैं, ये है आपकी टू रेस्ट की कांजी, रेस्ट मीन्स आराम करना, ठीक है, या फिर हॉलिडे के लिए भी हम बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हो एक पर्सन है जो कि पेड़ के नीचे बिल्कुल पेड़ से सटा हुआ खड़ा हुआ है, ठीक है, वो पेड़ की रूट है नीचे, और यहाँ पर वो उसी के पास खड़ा हुआ है पेड़ से बिल्कुल टच होकर के, सो ये शो कर रहा है कि वो पेड़ के नीचे खड़ा आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है पेड़ के नीचे। ठीक है, आगे जाके कांजी मॉडिफाई इस तरीके से हो जाती है, एंड फाइनली फिर वो इस तरीके से बन जाती है। अब मैं इसको एक बार आपको बताता हूँ इसकी कि किस तरीके से कांजी बनेगी, इसकी स्ट्रोक ऑर्डर क्या है, फिर इसकी कुनियोमी उनियोमी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इची, देन नी, फिर सान, योन, गो एंड देन रुकू। तो सिक्स स्ट्रोक ऑर्डर में ये कांजी बनके आपकी तैयार हो जाती है। बात करें कुनियोमी की और उनियोमी की, तो बहुत सिंपल है, कुनियोमी इसकी यासु, यासुमी मस का यासु की कांजी है सिर्फ, ठीक है, ओनियोमी है क्यू। ठीक है, अब जैसे कि मैं कहूँ इसके, वैसे इसके साथ कोई ऐसी कांजीज यूज हो जाती हैं, जैसे कि मैं बोलूँ हीरू यासुमी, हीरू की कांजी बनाओगे दोपहर की और यासुमी की कांजी बनाओगे, तो यानी कि हीरू का मतलब क्या होता है, दोपहर, पता है ना, नून, नून प्लस यासुमी रेस्ट, तो यानी कि दोपहर का क्या होगा, हीरू यासुमी यानी दोपहर का रेस्ट, दोपहर का आराम, यानी कि दोपहर का लंच ब्रेक, समझ में आ गई, लिंक कर रही है दोनों कहानी, दोनों कांजी यहाँ पे, स्टोरी हीरू की और यासुमी की, हीरू का मतलब होता है दोपहर और यासुमी का मतलब होता है आराम, तो दोपहर का आराम है, दोपहर का ब्रेक कहने का मतलब। कांजी दोनों कांजियों का मेन जो मैंने बताया ना पहले, लिंक करेगा आपस में एक दूसरे, आप चाहे तो चेक करके देख लिए, हीरू का मतलब दोपहर होता ही है एंड यासुमी का मतलब होता है टू रेस्ट। अब अगर आप लगाते हो उसका हीरू यासुमी, या फिर इसके अलावा कुछ और लगा लो, नात्सु यासुमी, नात्सु की कांजी ले लो, नात्सुमी, नात्सु का मतलब होता है समर यानी कि गर्मी, नात्सु यासुमी यानी कि गर्मी की छुट्टियां, समर हॉलीडे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कांजी रिएक्ट करती हैं, एक कांजी के साथ अगर दूसरा कांजी वर्ड यूज हो रहा होगा तो उनका जरूर आपस में कुछ ना कुछ इंटरलिंक होगा, जरूर उसकी कुछ ना कुछ स्टोरी मैच कर रही होगी, और स्टोरी मैच आप उसके शब्द कांजी के मीनिंग जो वर्ड निकालोगे ना उन वर्ड से मैच करोगे तो एक मीनिंग बन जाएगी, और उन दोनों को जोड़ करके एक वर्ड बनेगा ही बनेगा। तो ये भी तरीका है, एक तरीके इस तरीके से भी आप कांजी को याद कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कांजी आती है वो है रन की कांजी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टू रन कांजी इस तरीके से, मैंने वही कहा अगर आप बगैर किसी इमेज के पढ़ोगे ना कांजी को बनाओगे
तो आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो आप कभी भी याद नहीं रख पाओगे। सो अब रन की कांजी को मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको याद रखना है। हालांकि जो मैं इमेज बता रहा हूँ ना वो थोड़ी सी अटपटी है, कई बार ऐसा होता है इमेज में कोई सेंस निकलता नहीं है, बट आप कोशिश करें इसी तरीके से इसको याद करने की। तो यहाँ पर आप देखोगे ना ये, अच्छा देख करके आपको क्या लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है जैसे कोई रनिंग कर रहा है, कोई भाग रहा है, नीचे वाला हिस्सा कांजी का लग रहा है ना। तो इसी को मैंने ध्यान करते हुए मतलब इसी को सोच करके इमेज मैंने बनाई कि शायद इस तरीके से होगा। तो इमेज इज कि एक लड़का है जो कि जमीन के अंदर ना मतलब उसे मट्टी से ढक दिया, उसे कवर कर दिया, आधा उसे जमीन के अंदर दबा दिया, लेकिन वो फिर भी भागने की कोशिश कर रहा है, तो ये इस चीज को शो कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर जो है जमीन के ऊपर क्या निकल रहा है, एक पेड़ निकल रहा है, तो ये इस चीज को शो कर रहा है। ठीक है, मींस मीनिंग इज कि एक लड़का जो है वो जमीन के नीचे उसके ऊपर एक पौधा सा निकल रहा है और उसके नीचे उसको मट्टी के नीचे कवर कर दिया है, लेकिन मट्टी के नीचे भी उसके मिट्टी नीचे दबे होने के बावजूद वो भागने की कोशिश कर रहा है। जब किसी को किसी मट्टी के अंदर दबा दिया जाए, किसी इंसान को, जिंदे इंसान को, तो वो भागेगा ना, निकलेगा ऑब्वियसली। तो कुछ इसी तरीके का यहाँ पर इमेज ली गई है। आगे जाके ये इस तरीके से मॉडिफाई हो जाती है, देखो प्रॉपरली यही आ रही है कांजी बन के। ठीक है, फिर फाइनली वो इस तरीके से बन जाती है। इतना समझ में आया कांजी की, मैं समझ में आई। मैं कह रहा हूँ अगर आप पहली बार भी मेरा वीडियो देख रहे हैं ना और आपने ये वीडियो देख लिया, मैं कह रहा हूँ आपको जो मैंने कांजीज बताई है ना, रात में एक बार सोते टाइम इसी को ब्रश अप कर लेना, इसी को रिमाइंड कर लेना। मैं कह रहा हूँ ये कांजी आप भुलाए नहीं भूल पाओगे, हकीकत में कह रहा हूँ, गारंटी के साथ। चाहे तो आप करके देखना एक बार। अब मैं बताता हूँ इसकी कुनियोमी ओनियोमी, देन इसको इसके कांजी के स्टॉक ऑर्डर की किस तरीके से कांजी बनेगी। तो कुनियोमी ओनियोमी की बात देख लो, कुनियोमी तो है हाशिरी मास का हाशी, ठीक है, हाशिरू हो जाता है। ओनियोमी है सो। अब याद कराऊं, चलो याद भी करा देता हूं, बहुत सिंपल सा है। अगर आप सुबह ज्यादा देर तक सोते रहते हो, क्या करते हैं, सोते रहते हो, और फिर आप जब उठते हो और आपको पता चला कि आपको कहीं जाना था, किसी काम पे जाना था, तो आप क्या करते हो, आप भागते हो तुरंत, हाशिरी मास करते हो। ठीक है, याद हो गई, ज्यादा देर तक सोते रहते हो, सो तो आप उठ के एकदम भागते हो, हाशिरी मास करते हो, दोनों याद होगी, कुनियोमी ओनियोमी। अब मैं बताता हूँ इस कांजी को किसी दूसरी कांजी के साथ यूज करके क्या ये मीनिंग निकालेगा, चलो देखते हैं एक बार। लेकिन उससे पहले मैं एक बार कांजी की स्टॉक ऑर्डर बता दूं, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले इची, देन नी, सान, योन, सॉरी गलती होगी, इची नी सान, फिर योन, गो, रोकू एंड देन नाना। ठीक है, बहुत सिंपल है, इची नी सान योन गो रोकू एंड देन नाना, ये तो होगी स्टॉक ऑर्डर, सेवन स्टॉक ऑर्डर में कांजी बनेगी। अब मैं एक वर्ड दे रहा हूं आपको, इसको बोलते हैं हम दासो। गेत्सु यानी कि सुकी की कांजी है, फिर आनी की कांजी आती है वो है, इसके बाद ये वाली कांजी है। इस वर्ड का मतलब, इस कांजी का मतलब मुझे बताओ क्या है। यही चीज होती है, ऐसी कांजी आ जाती है ना हम हिल जाते हैं, एक कांजी तो पता है दूसरी पता नहीं, अरे क्या आ गया। तो मुझे बताओ क्या, किस चीज की कांजी है, नहीं पता। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आपने आज पढ़ी सो की कांजी हाशी की, अब आप इसे पढ़ोगे हाशी या फिर सो, दो ही पढ़ोगे, तो मीनिंग कुछ है कि सो का मतलब होता है रन, हाशी का मतलब होता है रन। तो मतलब ये जो कांजी है ना कुछ रन से रिलेटेड है, भागने से रिलेटेड है, चाहे ये किसी से बच के भागना हो, चाहे कुछ ऐसा, मतलब इसमें कुछ ना कुछ सेंस भागने का आएगा। अभी हम ये अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन क्या हमारा अंदाजा सही लगेगा, तो देखते हैं, मैं बताता हूँ। ये है आपकी दसो, दा की कांजी है। ठीक है, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है एस्केप फ्रॉम, किसी चीज से बचना। और ये वाली कांजी हमने क्या पढ़ी है अभी, टू रन, इसका मतलब टू रन, और इसका मतलब होता है टू एस्केप फ्रॉम, मतलब कहीं से बचकर, कहीं से बच करके भागना, तो इसका मतलब होता है एस्केप, इस पूरे वर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब, इसको बोलते हैं हम दासो, दासो जिसका मतलब होता है एस्केप फ्रॉम प्रिजन, मतलब जेल से बच के भागना, जेल से भागना। तो मुझे बताओ इन दोनों कांजी का मतलब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। इसका मतलब मैंने बता दिया, इस कांजी का मतलब होता है एस्केप, और इस वाले कांजी का मतलब होता है रन, अभी हमने पढ़ा। तो भागना, बचकर भागना, कुछ ऐसा ऐसा मतलब जेल से बच के भागना, प्रिजन से, कैद से भागना, समझ गए। तो इस तरीके से कांजी काम करती है भाई, मैं इसलिए कहता हूँ कांजी को समझो,
आप कहते हो ना कि मुझे रीडिंग नहीं होती सही से, रीडिंग नहीं कर पाता, रीडिंग में बड़ी दिक्कतें होती हैं, ये आपको हैबिट्स बनानी पड़ेगी। अब जरूरी नहीं है अगर आपने एक कांजी पढ़ी ना, दूसरी कांजी का आप अंदाजा लगा सकते हो, जो एक कांजी का मतलब है ना जो आपको पता है, दूसरे का लगभग वैसा ही मतलब होगा, तो आप लगभग उसी ट्रैक पे रहोगे। ये अंदाजा भी आप तभी लगा पाओगे ना जब आपको तरीका पता होगा, जब तरीका ही नहीं पता है तो फिर आप ऐसे पढ़ते रह जाओ, आपको आती हुई कांजी आप छोड़ के चले जाओगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इसीलिए इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं, और ये अब तक का सबसे बेस्ट तरीका है, पूरे यूट्यूब पर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, कोई भी टीचर आपको बता दे तो आई गारंटेड कि आपको कोई बताएगा ही नहीं। सो इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूँ, किसी इंस्टीट्यूट में आपको कोई नहीं बताएगा, ना किसी यूट्यूब पे किसी भी टीचर ने आपको ये बात बताई होगी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कांजी है, नेक्स्ट कांजी है शेल फिश की। अब आप कहोगे कि सेंसे सेल शेल फिश क्या होती है, बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। शेल फिश मतलब समुद्र में मिलने वाले जितने भी जलीय जीव होते हैं ना, जलचर बोलते हैं उन्हें शेल फिश बोलते हैं। उसकी कांजी इस तरीके से लिखी, बेसिकली होती क्या है शेलफिश, ये जो ये पर्टिकुलर वर्ड है ये एक सीप के लिए, सीप जो होता है ना लाइक स्कॉन्च बोलते हैं, शंख, उसकी शेप होती है कुछ, ठीक है, जिसको इन्होंने इमेज में कुछ इस तरीके से दिखा रखी है, इमेज के थ्रू इन्होंने ऐसा बता रखा है। बट आपको एक सिंपल तरीका बताऊं शेलफिश के लिए, आप ध्यान रखो, शेलफिश जो होती है समुद्र में मिलने वाली जितनी भी जलचर, उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं, आई की कांजी है, बस नीचे दो आपको स्टॉक लगा देना, दोनों नीचे स्टॉक लगाओगे आई की कांजी के, तो वो शेलफिश की कांजी बन जाती है, ठीक है, इस तरीके से याद रख लो। दूसरा तरीका, और एक जो तरीका अलग तरीका है जो मैंने पढ़ा है, वो इस तरीके से, ये उन्होंने उसकी शेप बनाई है, शंख होता है जिसमें शंख के अंदर भी एक कुछ कीड़ा सा होता है ना, उसकी शेप कुछ इस तरीके से बनाई है, फिर उसे इस तरीके से मॉडिफाई करा है। अब मैं आपको ना इस कांजी का बताऊंगा मतलब, कुनियोमी उनियोमी, फिर इसकी कांजी की स्ट्रोक, फिर इसके साथ एक कांजी बना के दिखाऊंगा। मैं वही के समझाने की कोशिश में कर रहा हूँ कि जो कांजी आपने पढ़ी है ना उसके साथ कुछ और कांजी भी आ जाती है, तो लगभग मतलब वही निकलता है जो आपने कांजी का मतलब पढ़ा है। तो आपको जरूरी है जो आपने कांजी सीखी है उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये कांजी है शेलफिश की, तो इसकी कुनियोमी उनियोमी क्या होगी वो मैं बताता हूँ, एक बार आप चेक कर लेना। आई थिंक ओनियोमी होती है इसकी काई और गाई, ठीक है, तो ये तो होगी ओनियोमी। जब भी आप ये कांजी कभी आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि काई की कांजी है। काई का मतलब होगा होता है आपका समुद्र में मिलने वाले जो जीव होते हैं उनको, यानी शेलफिश, ठीक है, ये काई की कांजी। अब मैं एक वर्ड बताता हूँ आपको, माकी, माकी गाई, थोड़ा सा शब्द सुनकर अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है माकी गाली, माकी गाली नहीं माकी गाई, ये वर्ड है माकी गाई, तो कुछ इस तरीके से है ये। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो मैंने कांजी लिखी है इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, एनी आइडिया, कुछ आपको याद आ रहा हो? अब देखो गाय की कांजी हमने पढ़ी काई गाई, तो इसका मतलब एक चीज तो तय हो गया, जब सपोज, अब आपको हिंट दे रहा हूं मैं कैसे पता लगाना है, ये कांजी आ गया ना, ये वर्ड आ गया, आपको नहीं समझ में आ रहा है कांजी क्या है, एक तरीके से समझ सकते हो, अगर आपको इनमें से एक भी कांजी पता है ना आप अंदाजा लगा लोगे। कैसे, ये वाली कांजी किसकी है, काई की कांजी है, काई का मतलब होता है शेलफिश, समुद्र में जो पाने वाले पाए जाने वाले जो जलचर होते हैं, तो आप अंदाजा ये लगा सकते हो कि यार ये भी कोई ना जीव ही होगा, कुछ ऐसा जीव होगा या फिर कुछ ऐसी चीज होगी जो समुद्र में मिलती है, काई, क्योंकि पीछे काई या गाय का सेंस आ रहा है, तो आगे का हमें पता नहीं। तो मैं बताता हूँ आपको, ये निकलेगा इसका मीन वही कुछ कुछ जीव ही निकलेगा। देखो कैसे, ये कांजी है माकी की, ठीक है, माकी का मतलब होता है टर्न अप या फिर स्क्रॉल अप, ठीक है, मतलब कोई चीज घुमावदार, तो ये उसकी कांजी है, इसे हम माकी पढ़ते हैं, और ये हमने अभी पढ़ा ही है काई और गाई, तो इसलिए इसको मिला के बनाते हैं माकी गाई, इसे जापानी में माकी गाई बोलते हैं। इसके आगे माकी गाई का मतलब होता है आपका स्नेल, जो स्नेल होती है ना उसको बोलते हैं। सिर्फ काई और गाई बोलोगे तो सिर्फ शेलफिश हो जाता है नॉर्मली, अब माकी गाई हो गया तो ये स्नेल बन गया, समझ रहे हो? स्नेल कौन होती है, स्नेल कहाँ मिलती है, मिलती तो वो भी समुद्र में ही है, वही मिलती है, अलग वेराइटी होगी। तो कहने का मतलब यह है मेरे, बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो और आपको सही इंस्ट्रक्टर को इंस्ट्रक्ट करने वाला है, और आप थोड़ा अपना पोटेंशियल, अपना अच्छा पोटेंशियल देके पढ़ते हो, तो बहुत इजी तरीके से आप जापनीज को पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी आज की इस वीडियो के अंदर मैंने एक चीज नई करी, वो ये कि आपको याद करने का तरीका बताया मैंने, एक और नया कांजी के साथ कांजी को कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो आई होप कि आज की इस वीडियो के अंदर मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। अगर देखो वीडियो पसंद आई है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको
जापानी से रिलेटेड इसी तरीके की जानकारी जो है वो देता रहता हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरीके इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।